सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रतन इंडिया पावर लिमिटेड को लेकर, जिसे आप लोग आरटीएन पावर के नाम से जानते हो। इस शेयर को लेकर मैं काफ़ी टाइम से आपको जो अभी अवेयर भी कर रहा था, ठीक है। देखो, स्टॉक में रैली बन रही है, बहुत अच्छी बात है, तेजी बन रही है, सभी भाई प्रॉफिट के लिए आते हैं। तेजी बनेगी तभी प्रॉफिट होगा, सभी को पता है, अच्छी बात है। जिन्होंने नीचे के भाव से स्टॉक को खरीदा, उन्हें काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट भी देखने को मिला है। तो इन सब को देखते हुए स्टॉक के ऊपर खतरा भी बढ़ रहा था। आरएसआई एमएफआई के लेवल्स आप लोग देखोगे कहाँ पर गए हुए थे, पी रेशो आप लोग देखोगे कहां पर है। तो ये सारी चीजें नेगेटिव इफेक्ट स्टॉक के ऊपर डाल रही थी। साथ में तेजी के पीछे का एक्चुअल में रीजन क्या था वो किसी को नहीं पता। तो यहां पर जो तेजी बन रही थी ना, मैंने आपको बोला ऑपरेटर गेम है, बड़े प्लेयरों के चलते स्टॉक में हाई वॉल्यूम लगती है। हाई वॉल्यूम अगर आएगी स्टॉक में तो एक अच्छी रैली बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि डिमांड स्टॉक की बहुत ज़्यादा है। मार्केट पूरा डिमांड और सप्लाई का गेम है, ठीक है। वहाँ पर डिमांड होगी ना तो स्टॉक के प्राइस ऑटोमेटिकली आसमान छूएंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर स्टॉक के अंदर जो रैली बनी थी 2-3 रुपये के आसपास से, वो बरकरार रही। और आप लोग थोड़े से टाइम में स्टॉक ने बहुत जबरदस्त रिटर्न निकाल के दिए। प्रीवियस वीक के दौरान स्टॉक ने बाउंड वीक हाई लगाया था, और इसी को देखते हुए मैंने आपको इसके लेवल्स वगैरह सब कुछ हमारी प्रीवियस वीडियो में बोला था भी, ये स्टॉक के अंदर एसएल वगैरह पुट करके चलिए। और यहाँ पर हमें जो ना अभी जो गिरावट हुई है, इसके पीछे एक्चुअली में दो बड़े रीजन है। जी हाँ, दो बड़े रीजन आप लोग देखोगे, एक्सचेंज और सेबी का जो एक्शन है ना, उसी वजह से आप लोग देखोगे ये स्टॉक हमें टूटते हुए नजर आए। जी हाँ, सेबी और एक्सचेंज। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे 1 सितंबर को प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान स्टॉक को जो अभी लॉन्ग टर्म एएसएम के फर्स्ट स्टेज में डाल दिया है। जहाँ ध्यान से देखो, सीधा लॉन्ग टर्म में डाला है, जो आप लोगों को फोर्थ स्टेज तक जाते हुए नजर आता है, ठीक है। तो ये हो गया एक तो बैड न्यूज, इसके चलते आप लोग देखोगे और क्या। दूसरी जो सबसे बड़ा रीजन है गिरावट का, और 5% के एलसी में लॉक होना, यही सबसे बड़ा रीजन है। क्योंकि पहले इसकी सर्किट लिमिट 10% थी, अब इसकी जो सर्किट लिमिट है ना वो 5% कर दिया जैसे एएसएम में आया। तो इन सब के चलते स्टॉक के ऊपर थोड़ा दबाव बढ़ते हुए नजर आया है। प्रॉफिट बुकिंग वगैरह सब कुछ हमें देखने को मिली है, और ये शेयर 5% के एलसी में लॉक होते हुए नजर आया है। और एलसी के अंदर जो ने भी लास्ट में आपने देखा होगा, शेयर बिकने भी मौत हो गए थे, क्योंकि एलसी में कभी शेयर बिकते नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं बिकते? क्योंकि भाई सभी के सभी सेलर वहाँ होते हैं, बायर कोई भी नहीं होता, इसीलिए स्टॉक हमें सीधा एलसी में जाते हुए नजर आता है। तो चलिए भाई, अब देखते हैं इसके आगे के कैसे मूवमेंट्स रहेंगे, क्या स्टॉक में कल के दिन भी एलसी लगेगा या फिर जो शेयर है वो हमें यहाँ से संभलते हुए नजर आएगा। इन दो बड़ी कारणों के चलते आप लोग देखोगे स्टॉक में ये एलसी लगा है, कहीं ये गिरावट कोई बड़ा रूप तो नहीं ले लेगी गिरावट का, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो कुछ एक चीज़ें और है जो इसके अंदर नेगेटिव इफेक्ट डाला था स्टॉक के ऊपर पूरा। यहाँ पर आप लोग देखोगे आज के दिन जो इसकी एमएफआई है ये 94 पर आई है जब एलसी लगा है, अदरवाइज ये 100 पर पहुंची हुई थी, ठीक है। स्ट्रांगली ओवरबॉट जोन स्टॉक हमें जो देखने को मिल रहा था। उसके बाद आरएसआई की बात करें तो ये भी आप लोग देखोगे भी 83 के आसपास हमें देखने को मिले, ये भी स्ट्रांगली ओवरबॉट जोन में। जो इसका पी है ये आप लोग देखोगे नेगेटिव है, ठीक है। पीछे के जो रिजल्ट्स आए थे वहाँ पर कंपनी ने 549 करोड़ का लॉस बुक किया। तो ऐसे में आप लोग देखो भी कहाँ से स्टॉक में रैली बनी है, क्यों बनी है, ये यहाँ से क्लियर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोग Q2 के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, देखते भी कैसे आएंगे। जिस हिसाब से Q1 के आए उसी हिसाब से अगर आए तो भाई देखो स्टॉक का जो ना भी फिर से वही गेम होगा। अगर गेम के अंदर पैसा बन जाता है अच्छी बात है अभी, ठीक है। अगर जब स्टॉक के अंदर बड़े प्लेयर घुसे उस गेम के अंदर आप लोग पैसा लेकर बाहर निकल जाओ तो एक अच्छी बात है। तो चलिए पहले इसका डाटा देख लेते हैं, फिर इसका चार्ट भी देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखो डाटा की अगर बात करें तो प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी, 7 रुपये ओपन हुआ 7 के भाव पर, यही इसका हाई, यानी जिस भाव पर ओपन हुआ ना वही इसका हाई रहा था। उसके बाद जो शेयर है वो सीधा एलसी में ही लॉक हुआ है भाई। तो इन सब को देखते हुए यहाँ पर आप लोग देखोगे अब 11,98,000 लगभग 12 लाख क्वान्टिटी का एक बिग जो सेल ऑर्डर है वो हमें मार्केट प्राइस पर देखने को मिल रहा है। तो आप लोग खुद सोचो भी कहाँ से इस शेयर से जो अभी ये जो एलसी है कल दिन हट जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है। अगर मार्केट के दौरान बड़े प्लेयरों ने एंट्री ले ली तो एक अलग बात है। डिलीवरी पोजीशन यहाँ पर आज फिर से शानदार देखने को मिले, 56% करीब डिलीवरी उठाई गई है। शेयर ट्रेड हुए एनएससी के अंदर 8,70,00,000 के करीब और 4,89,00,000 के करीब जो डिलीवरी वो उठी है, डिलीवरी ठीक उठी है, बट एक बिग सेल ऑर्डर स्टॉक के ऊपर लगा हुआ जो कि नेगेटिव असर डाल सकता है कल के दिन स्टॉक के ऊपर। तो चलिए देखते भी चार्ट इसका कहाँ पर सपोर्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो जिस चीज़ का डर था वो हमें यहाँ पर देखने को मिला है। हाल फिलहाल नीचे में सपोर्ट की बात करें तो 6.50 का सपोर्ट है, अगर ये लेवल टूटा तो नीचे में 5.90 रुपये के आसपास भी स्टॉक आ सकता है। जो स्टॉक में ऊपर के लेवल से गिरावट हुई ना वो यहाँ पर आप लोग देखोगे डबल टॉप के साथ। जी हाँ, एक बियरिश पैटर्न है डबल टॉप का, इसके चलते स्टॉक में हमें जो ना ये फॉल बनते नजर आया है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 6.50 का। अगर ये लेवल नीचे में ब्रेक हो जाता है तो फिर आप लोग देखोगे स्टॉक नीचे में आएगा किस भाव तक, मे बी 6
रुपए के आसपास आ सकता है। तो ये इसके लेवल रहेंगे, इन लेवलों के ऊपर फोकस कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि स्टॉक रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।